देखो अभी आपने लिखा था एट 25 डिग्री सेल्सियस ना, 10/14 था, 14 था ना, अगर ये 90 कर दो कितना टेम्परेचर, 90 या 100 कर लो, जो देखो के डब्ल्यू डायरेक्शन टी के होता है, ये पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम जो के होता है और टी के टेम्परेचर कांस्टेंट है ना वो, अरे हर हाल में कांस्टेंट ना है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कितना 100 डिग्री, तो यार के डब्ल्यू जो होता है 10^-12 हो जाएगा, 10^-12 के डब्ल्यू को 6/12 बोल सकते हैं, पी के डब्ल्यू जो भी आता है पीके बोलो यस सर, वहाँ 14 था ना, तो यहाँ 12 का 6 होता है ना, तो 6 पर न्यूट्रल बोलोगे, नहीं समझे बोलो भाई, वो 6 और 17/14 चलता था, 7 और 14 यहाँ कितना चलेगा, और यहाँ देखो के आई वाला क्या लिखते थे, यही है ना, आप देखो यहाँ पे जो वाटर इसका मोलारिटी है ना कंसंट्रेशन 55.5 मिलेगा मोल पर लीटर, ये मिलेगा आपको पहले चैप्टर में, वाटर की कंसंट्रेशन होता है 55.5, अरे वो मोलर पर मालूम होता है, निकालोगे वहाँ मिलेगा 55.5। अब ये देखो ये क्या लिखा है, ऑटो ऑनिजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, कुछ नहीं करना इधर देखो वाटर, और ये भी क्या क्या बनेगा, ये इसमें बराबर है, अरे कल यही कोई पूछ रहा था हमसे आगे वाले क्लास में, याद करो NH4 पॉजिटिव वाला मामला, यस सर भविष्य में था, थ्री क्वेश्चन में उसने बताए थे, आप एक भी याद रखो क्या बोलते हैं इसको, या तो ये बोलो या फिर क्या बोलिए, जब ऑर्गेनिक में या तो या फिर यही यूज किया जाता हमेशा, ठीक है, यहाँ देखो पहले यहाँ देखो, यहाँ से ये आया ठीक, ये OH- माइनस आया ना, ये कहाँ से आया है, मान लो यहाँ से, तो यहाँ से क्या बाहर निकाले हो, वॉइस निकाल लिए इधर और एच प्लस बचा, हमने क्या पूछा तुमसे सर, इसमें से एच निकाल, इसमें से क्या बाहर निकाले हो, एच, अच्छा इसमें क्या ऐड किए हो, एच, नहीं समझ पा रहे हम क्या बोले, ये बताओ यार इसमें से क्या बाहर निकाले हो, एच, ये कहाँ से आया, यहाँ से, यस सर, इसको छोड़ दो, इसमें से क्या बाहर निकाले हो, एच, बोलो एच प्लस बोले हो, यस सर, इसमें से बाहर निकाले हो ना, yes, ये आया है ना, yes, इसको सी भी बोलोगे, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट, अच्छा इसमें ऐड किया ना कुछ बाहर, बेस है ना, सी भी का मतलब एसिड बेस ना, हाँ इसमें कुछ ऐड कर रहा है ना बाहर से, ऐड करोगे तो इसको सी ए बोलेंगे, कंजुगेट एसिड, फिर सुनो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से कुछ बाहर निकाल रहे हो तो इसमें कुछ ऐड करोगे तो कंजुगेट एसिड, अगर ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस है, नहीं बेस बोलते, अगर ये कंजुगेट बेस है तो ये एसिड, एसिड, नहीं समझ पा रहे हो, बता दो तो भरत भैया दिखाई दे रहा, मिटा दो इसको, ठीक है चलो इसको यहाँ से यहाँ मिलाओ, चलो बताओ यहाँ से कुछ बाहर निकला, इसको क्या बोलोगे, सीबी, अब ये कंजुगेट बेस का उल्टा एसिड, ठीक, यस सर, ये देखो इसमें आपने कुछ ऐड किया ना, यस सर, ये हो गया कंजुगेट एसिड, ये क्या हो गया बेस, और ये सुने बताओ तुम लोग ध्यान से फैक्टर नहीं पढ़े हो, कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर नहीं बताया था कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, नहीं वैसे रियल फैक्टर है, और हमने कहा था जब निकाल दो बचे तो कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस हो जाएगा, वहां नहीं पढ़े ध्यान से, देखो यहाँ काम क्या है, ये क्या लिखा है, क्या बस इधर का प्रोडक्ट अपान इधर का प्रोडक्ट, बस इधर क्या है, इधर क्या, इधर क्या, H2O दो बार लिख लें, इसका स्क्वायर कर सकते हो क्या, बोलो मैं बताओ, ये H प्लस है, ये OH माइनस है, क्या लिख सकते इसको, बोलो यार है, लिख सकते अपान, ये क्या है, H2O का स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, के आटो, क्या लिख सकते के आटो, दिखाई दे रहा है ये, बोलो यार यस सर, के डब्ल्यू अपान H2O स्क्वायर,
नोट कर लो, आटो बराबर नोट कर लो भैया।